हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है व्रत की थाली तैयार करना। तो आइए, नवरात्रे की व्रत की हम थाली तैयार करते हैं, आलू की सब्जी और साबूदाने। सबसे पहले हम आलू की सब्जी बनाएंगे। ये है, मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, ये छोटे साइज के मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। 3 हरी मिर्च और 1 अदरक के टुकड़े को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 3 टमाटर को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये खूब सारा धनिया लिया है। और ये मैंने साबूदाना लिया है, ये आधी कटोरी साबूदाना था और भीगने के बाद ये 1 कटोरी हो गया है। आधी कटोरी ही मैंने सामकिया लिया था, इसको भी मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये भी फूलकर 1 कटोरी हो गया है। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले आलू की सब्जी, और इन दोनों से हम चीला तैयार करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। ये कढ़ाई में मैंने 1 सर्विस स्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने दूंगी। और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दूंगी। हमारा चटक चुका है, अब मैं ये अदरक और लहसुन डाल दूंगी, अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बचा लिया है, इस पेस्ट को मैं चीले के अंदर डालूंगी। और इधर हमारा ये जीरा और अदरक हरी मिर्च भुन चुकी है, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और ये सेंधा नमक है, नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डालूंगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं ये साबुत आलू डाल दूंगी इसमें। और साथ ही इसमें से मैं धनिया डाल दूंगी। मैंने इसमें खूब सारा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने दूंगी, मीडियम गैस पे मैं इसे पकने दूंगी। जब तक हमारी ये सब्जी बनकर तैयार होती तब तक मैं ये साबूदाना और ये सब मक्खिया को एक साथ पीस लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसे ग्राइंड कर लूंगी मैं बारीक। और ये हमारा पेस्ट पिस कर तैयार हो चुका है, ये देखो कितना बढ़िया से पिस के तैयार हुआ है। ये हमारा डो देखो इतना पतला चाहिए था हमें, और बिल्कुल अच्छे से तैयार है ये डो हमारा। अब मैं इसके अंदर ये अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी जो मैंने बचाया हुआ था, साथ ही इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। और 1/2 छोटी चम्मच में इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। चौथाई चम्मच में इसमें जीरा डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जिसे ऑयल का खाना पसंद नहीं है वो ये सामक के और साबुदाने का चीला और आलू की सब्जी बनाकर व्रत में खा सकता है। ये हम सब्जी चेक कर लेते हैं,
ये हमारी सब्जी देखने में इतनी बढ़िया लग रही है और ये हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गए हैं, साबुत आलू बनकर। और अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। ये मैंने तवे को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी ब्रश की मदद से। मैंने ब्रश की मदद से तवे पे ऑयल लगा लिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। और अब मैं इस तवे पे पेस्ट को डालूंगी। ये हम चीले को फैला लेते हैं। और इसे मैं सीखने दूंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। देखो कितने अच्छे से सीखा है हमारा चीला। अब इसकी फिर से साइड चेंज करूंगी। ये देखो एक साइड से बिना ऑयल का सीख कर कितना बढ़िया सीखा है ये। और ये हमारा चीला अच्छे से सीख कर तैयार हो चुका है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी प्रकार से मैं अपने दूसरा चीला भी बनाकर तैयार करूंगी। इसे भी मैं सीखने दूंगी। चीले की साइड चेंज करूंगी फिर से। और ये चीला भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये भी कितने अच्छे से सीखा है। प्लेट में डाल देती हूँ। हमारे चीले बनकर तैयार हो चुके हैं। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। इस चीले को भी मैं प्लेट में डाल लूंगी। ये हमारी नवरात्रे की व्रत की प्लेट तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।